जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या वर्दी डिप्टी कमिश्नर तक साहब को, मैं आप सबको, मैं पूरे नाम नहीं लूंगा यहाँ की आम गांव वापस इनहेबिटेंट का विलेज और पूरा वातावरण के लिए चार हफ्ते में मुश्किल मिले हैं सर। हमारे यहाँ इंदिरा रोड्स है, इंदिरा रोड्स 13.7 किलोमीटर की जरूरत है। अगर किसी को दो के खिलाफ होगी, दोनों एप्लीकेशन देखिए, इसको इसको इम्तियाज ये बोल रहा है कि जो लिख रहा है उसके खिलाफ है, कोई बात नहीं है, दोनों लिख लीजिए, ऐसा है नहीं ना। बोलता हूँ कि अनंतनाग की जो आवाम है, जो हमारी बिरादरी हो, चाहे हमारे ट्राइबल्स हो, चाहे हमारी पहाड़ी बिरादरी हो, चाहे हमारे प्लेन्स में रहने वाले हो, हमेशा वो शिकायत कम हो और सजेशन ज़्यादा देते। आज भी वैसे ही आया कि हम आने वाले साल में हम इरीगेशन के रिलेटेड कैसे काम करें, तो इसमें जितनी भी इनकी सजेशन थी या जो हमारे आने वाला प्लान है वो सारे डिपार्टमेंट्स ने नोट किया है और उस पर तेज़ी से कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो हम आने वाले वक्त में एक अपने जो स्प्रिंग्स है मैसनाक्ष, जो उनको रिवाइव करने के लिए और कम्युनिटी ओनरशिप लाने के लिए उनमें जो हम मिशन स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर भी बहस हुई, उस पर भी डिस्कशन हुआ। ओवरऑल काफ़ी मिसबत नतज निकलेंगे आज के ब्लॉक दिवस में, जैसे कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जेएनके की डायरेक्शंस है कि जो हमारे तरक्की के काम है उसमें आवाम की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए, और उसी पस मंज़र में ब्लॉक दिवस हो, नगर दिवस हो, हमारे बैक टू विलेज हो, वो प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें आपने नोटिस में लाया है, मैं ये देखता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम देखें, हम केसीसी में सैचुरेट हो चुके हैं। पिछले घर घर केसीसी अभियान जो चला उसमें 40,000 से ज़ायद किसानों को केसीसी मिला है, लेकिन जो आपने बोला है कि इसमें हम देखेंगे कि बैंक और डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ बैंक और आवाम का आवाम के रबते को भी हम रखें, आगे से हम ब्लॉक दिवस में बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को भी रखें। फेस्टिवल होगा, लोग बोलते हैं कि अनंतनाग बहुत खूबसूरत है, और बेशक खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है खूबसूरती अनंतनाग की आवाम में है। तो इस बार पूरे देश ने विदेश से भी लोग आए जिन्होंने अनंतनाग के लोगों की मेहमान नवाजी देखी, और सिंथन टॉप इस बार एक नई डेस्टिनेशन के तौर पे जिस तेज़ी से उभरा है वो काबिल तारीफ़ है। इसको हम एक जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में स्कीमें रखी है उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जो करें हम उसमें रखा है, और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में मुझे पूरा भरोसा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म एक फेस्टिवल भी खूबसूरत, मैंने जैसे बोला खूबसूरत इलाका तो है ही, अनंतनाग का ज़िला तो है ही, लेकिन लोग भी बहुत खूबसूरत है यहाँ के, उनके दिल बड़े खूबसूरत है, तरक्की को लेके, हुब्बुल वतनी को, देश की तरक्की को लेके, देश की देश के साथ मोहब्बत के जज्बे को लेके अनंतनाग पेश पेश है, और वही उसी की एक मिसाल है कि सिंथन टॉप या टॉप या उसके आस पास जो आप एरिया बोल रहे हैं वो सब एक होलिस्टिक सर्किट के अंदर डेवलप।